क्या नहीं मिल रहा है? कोई इन्वेस्टमेंट का सही तरीका? क्या आप भी करना चाहते हैं? मौसमी खेती के साथ अच्छी कमाई? जानिए कैसे। राजेश सिंह राठौर ने जीता है लाखों किसानों का भरोसा और दिखाई है सही राह खेती करने की। जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लाइनों पर पूरी तरह से खड़े उतरते हैं। वो अपने हौसलों और अपनी मेहनत के दम पर आसमां को भी अपने कदमों में झुका लाने का मादा रखते हैं। और ऐसी ही शख्सियत है श्री राजेश सिंह राठौर, जिनकी जिद से न केवल उन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा बल्कि औरों की भी जिंदगी सवारी। और आज उन्हीं की वजह से न जाने कितने छोटे छोटे किसान और इन्वेस्टर टिश्यू कल्चर बर्मा टी की खेती कर समृद्ध बन रहे हैं। हेलो, आई एम राजेश सिंह राठौर, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अ लीडिंग टिश्यू कल्चर सगवान प्रोजेक्ट कंपनी इन इंडिया। एक्चुअली हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कंसेप्ट को अपने इंडिया में कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं एज ए कमर्शियल फार्मिंग। हमारा मकसद है, हमारा पर्पस है कि हम इंडियन फार्मर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स को अलावा वर्ल्ड के सारे फार्मर्स और इन्वेस्टर्स हमारे इस कंसेप्ट को अडॉप्ट करें, ताकि ये बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। हम अपने इन्वेस्टर्स को एक बेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देते हैं। ये एक कमर्शियल फार्मिंग ऐसे है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से अलग होता है। हमारा मकसद ही यही है कि जिस देश की आबादी 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, वहाँ का किसान कोई भी उनके साथ एक फाइनेंशियल कमजोरी वीकनेस ना हो, हम उनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, आज के देश में हमारा मोर देन 10,000 पीपल्स इन्वेस्टर्स आर एसोसिएटेड विद अस इन इंडिया। और इंडिया के अलावा हम जो काम कर रहे हैं अफ्रीका, मलेशिया, तंजानिया, नेपाल, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज में हमारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है इसी एग्रो फॉरेस्ट्री का, लोग बेहतर रूप से अपना रहे हैं। यकीन मानिए, इस प्रोजेक्ट के साथ आपका 12 साल बाद जो मैं कहता हूँ कि सबका दिन आता है, आपका जमाना आएगा। राजेश जी की ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें उम्मीदों और हौसलों का हाथ थामना भी सिखाती है। सीवान जिले के हगमा गांव निवासी राजेश सिंह राठौर, जो कि पहले बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर में ऊंचे पद पर कार्यरत थे, 12वीं की पढ़ाई के बाद ये दिल्ली पहुंचे और यहां से इनकी जिंदगी का असल संघर्ष शुरू हुआ। यहां इन्होंने MBA फाइनेंस की पढ़ाई करने के साथ कई सालों तक सागवान की प्रजातियों पर रिसर्च करने का काम शुरू किया। और फिर सालों की रिसर्च के बाद इन्होंने अपने ही गांव की 2 हेक्टेयर जमीन में 2000 पौधे लगा दिए और 2016 में अपनी एक कंपनी वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाए। और फिर किसानों को टिश्यू कल्चर बर्मा टी और टिश्यू कल्चर G9 केले के पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने लगे। राजेश पर्यावरण संतुलन के लिए कंपनी बनाकर देश में ये अभियान चला रहे हैं। इतने कम समय में अपनी गुणवत्ता एवं एक्सपर्ट टीम के साथ भारत के सभी हिस्सों के साथ साथ इनकी कंपनी विदेशों में भी काम कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से अफ्रीका, मेडागास्कर, मलेशिया, टंजानिया, श्रीलंका, नेपाल और बर्मा शामिल हैं। किसानों और निवेशकों को समुचित सर्विस देने के लिए अलग अलग राज्यों में कई प्रोफेशनल्स की टीम काम कर रही है। हेलो एवरीवन, आई एम विकास ठाकुर, पार्टनर इन वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पी टू सर्व यू। हाय, आई एम प्रदीप सिंह, वर्किंग हियर एज बिजनेस हेड नॉर्थ इंडिया। सबका दिन आता है, आपका जमाना आएगा। हाय, आई एम अंकित धवन, आई एम हियर फॉर चैलेंज डेवलपमेंट मैनेजर। सबका दिन आता है, आपका जमाना आएगा। हाय, आई एम आकांक्षा सॉ, आई एम वर्किंग हियर एज अ कॉर्पोरेट बिजनेस मैनेजर। सो सबका दिन आता है, आपका जमाना आएगा। हाय, आई एम स्वाति, आई एम वर्किंग हियर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। सबका दिन आता है, आपका जमाना आएगा। My name is Gaurav Kumar. I am working as business manager. सबका दिन आता है, आपका जवान आएगा। This is Vedkan Sona Agrotech Private Limited, our leading tissue culture Sagwan project company. सबका दिन आता है, आपका जवान आएगा। और बहुत लोग एसोसिएट भी हो रहे हैं। बात सिर्फ खेती तक नहीं है, बल्कि किसान की सहमति से सागवान को उचित कीमत पर बिकवाने की जिम्मेदारी भी कंपनी उठाती है। वेडगन शोना एग्रोटेक टिश्यू कल्चर बर्मा चीफ
अपने दिल्ली स्थित खुद के लैब में तैयार करते हैं और किसानों और इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं। मैं डॉक्टर रत्नेश कुमार सिंह, टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट, अभी एसोसिएटेड हूं वेटिकन सोना के साथ, और हमें बहुत खुशी है कि हम ये कल्टीवेशंस का वर्क कर रहे हैं फॉर आवर ग्रोअर्स, फॉर आवर फार्मर्स, फॉर आवर नेशन, टू मेक आवर फार्मिंग मोर सस्टेनेबल, मोर अप्रोचेबल टू लोकल ग्रोअर्स एंड डिजायर्ड कल्टीवेटर्स। थैंक यू वेरी मच। टिश्यू कल्चर, बर्मा टी की खेती से मुनाफे के साथ पर्यावरण को भी ढेर सारे लाभ हैं। सबसे अहम फायदा ये है कि चोरी छिपे जंगलों की होने वाली कटाई को रोकने के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है। साथ ही तापमान वृद्धि की समस्या से भी राहत मिलती है। और बात अगर किसानों की करें तो किसान आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। श्री राजेश ने ये शुरुआत कर एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसकी मंजिल उनके लिए, किसानों के लिए और पूरे समाज के लिए बेहद ही खूबसूरत और प्रशंसनीय है। अपने परिवार को देने वाले राजेश जी ने अपनी जिंदगी तो बदली ही है, लेकिन उनके बदलाव की जिद और कुछ करने की कोशिशों ने किसानों को भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया है। इसके साथ ही वेटिकन शोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की जीडीपी में अपना योगदान दे रही है। निश्चय ही राजेश जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसलिए वेटिकन शोना कहता है, सबका दिन आता है, आपका जमाना आएगा। I am grateful and thankful to the AC Awards, proudly presented by the Rural Awards, with the prestigious title, Asia Innovative Company Awards, honor to me. Finally, this biggest honor goes to our all team who supported to the company at all times.